नमस्कार मंजुला आर्ट क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश कुछ खास कुछ नया सिर्फ आपके लिए हर बार कुछ नया। आज हम आपके लिए लाए हैं जूट वर्क जूट बास्केट बनाना बताएंगे। हम आपको जूट से बास्केट बनाना बताएंगे। इसके लिए सामग्री लगेगी 1 किलो जूट और 1 आलता की शीशी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथ में जितना जूट पकड़ सके उतना लेकर कंघी से इस प्रकार सुलझाएंगे ताकि इसकी जो लट है वह सुलझ जाए, जैसे कि हमने इसको सुलझा रखे हैं। ऐसे इस प्रकार सारी लटें सुलझ जाए और आलता से हमने 1/2 किलो जूट कलर करके सूखने डाल दिए हैं। जो सूखने के बाद उसको भी इसी प्रकार सुलझाएंगे और देखिए देखिए जूट बैग बनाने के लिए ऐसे पहले कंघी से सुलझा लिए जूट को और ऐसे 3 बना के जैसे अपन चोटी बनाते हैं इस प्रकार इसको पकड़ेंगे और ऐसे चोटी बनाते जाएंगे। जब भी यह जूट इसका आखिरी सिरा आएगा तो हम सुलझाए हुए और जूट इसमें लगा लेंगे ताकि हमारी चोटी बनती रहे। यहाँ पे सिरे में रबर लगा देंगे। देखिए इस प्रकार चोटी हमें जितना चाहिए बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे बहुत सारे चोटी गूंथ लेंगे। जब चोटी गूंथ रहे हैं और इसका आखिरी छोर आ जाए तो 1 भाग जूट लेके फिर इसमें जोड़ देंगे। बस ऐसे ही हम चोटी गूंथते जाएंगे जितनी हमको जरूरत है। ऐसे एकदम सिंपल है। जितना हमें चाहिए उतना बना लेंगे। बस इस प्रकार गोलाई चोटी को गोलाई में लपेटते जाएंगे और सिलते जाएंगे तो हमारा जूट बास्केट का ढांचा तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही गोलाई देते जाना है और सिलाई करते जाना है। जब यह आखिरी छोर आ जाए तो इस हिस्से को इसके साथ जोड़ देंगे और बस जितना बड़ा हमें बास्केट चाहिए उतना बड़ा इसकी गोलाई में सिलाई करेंगे। देखिए इसका नीचे का पूरा तला सिलाई कर लिए हैं। अब इसमें जो 1/2 जूट कलर करके सुखाए हैं उसका ऊपर की ओर पलट के डिजाइन की सिलाई करेंगे। इतना बड़ा तला जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा रख सकते हैं। इसकी सिलाई नीचे का पूरा हो गया है। देखिए पूरा यह चोटी बन चुका है। इसकी सिलाई पहले इस कलर में इस प्रकार ऐसे किए हैं सिलाई। देखिए जैसे ये कलर वाले की सिलाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ऐसे लिए और ऊपर का आकार है। इसके ऊपर बिना कलर वाला एक लाइन फिर सी लेंगे।
बस इसी प्रकार पूरा राउंड सिलना है। देखिए पहले ये नीचे का तला, उसके ऊपर एक एक बार ऐसे डिजाइन मोड़ करके ऐसे सिलाई किए, उसके बाद दो लाइन ये वाली, फिर उसके बाद यह कलर वाला, फिर इसकी सिलाई कर रहे हैं। इसी प्रकार इसी जूट से ही इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए अब ऊपर में ये इस कलर से एक लाइन की, ये एक लाइन की चोटी, इसकी ऊपर में एक लाइन सिलाई करेंगे, इसके बाद हैंडल लगाएंगे। बिना कलर वाला जो जूट है उससे ऊपर एक लाइन की चोटी सिलाई कर दिए, अब हैंडल लगाएंगे। हैंडल ऐसे दो परत में लगाएंगे, ऐसे तैयार कर लिए हैं, इसकी सिलाई करेंगे अपनी। देखिए इसका ऊपर का हैंडल लगाने के लिए ऐसे दो लड़ी बना लेंगे छोटी, और बराबर दूरी पे निशान लगा लिए हैं, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ, और इसकी सिलाई करेंगे। जूट से सिलना है, इसकी मजबूती भी रहेगी। ये देखिए हमारा जूट बास्केट बन चुका है। इसे हमने फल भरने के लिए फ्रूट बास्केट बना दिए हैं, और यह 1 किलो जूट में बन जाएगा। आधा किलो को कलर करके सुखाना है और आधा किलो को बिना कलर करे कंघी से पहले सुलझा लेना है, और इस प्रकार बनाना है। यदि आपको हमारा यह जूट बास्केट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।